सो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के इस सेशन में गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स, और आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर की। यानी कि आज का जो ये हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि बाबर के टाइम से लेकर के किस तरह के से अकबर के टाइम तक हमें इंडिया के अंदर मुगल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिला। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू ऑल नो मुगल पीरियड को कहीं ना कहीं जो है गोल्डन पीरियड बोला जाता है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स लेकर के आया है जिन पर आपको 25% तक का डिस्काउंट फिलहाल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप फिलहाल जाकर के जीएस और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो प्लान लेते हैं, तो पहले एक साल के लिए आपको पे करने पड़ते थे 77,000, बट फिलहाल जो न्यू ऑफर प्राइस है वो है 57,500 का। यानी कि लगभग 20,000 रुपीज तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिलेगा। और जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके इस प्लान को पूरी काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट यहाँ पर बना देगा। तो प्लीज जाएं जाकर सब्सक्राइब करें, अवेल करें इन ऑफर्स को। इसी तरीके से आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के कॉम्बो प्लान्स पर भी आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 13 जून को अनअकैडमी आप लोगों के लिए इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12 नून तक रहेगा। इसके अंदर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं बाई यूजिंग अवर रेफरल कोड रैंक 10। जो टॉप 50 रैंकर्स यहाँ पर होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के टॉप मेंटोर्स के थ्रू, जिसमें यहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं और यूपीएससी टॉपर्स भी हैं और कहीं ना कहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, जो आपको आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हैंड गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं जो कि आप यहाँ पर जीत सकते हैं, जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड, आईफोन, आईपॉड्स। तो प्लीज़ जाएं जाकर एनरोल करें, ज्वाइन करें। साथ ही साथ वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग प्रोग्राम भी अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें यहाँ पर आपका जो है बेसिकली अगर हम बात करें इन पर्सन डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर आपके होंगे। लिमिटेड सीट्स प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स हैं, तो आप यहां पर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी आप लोगों के लिए महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी लेकर के आया है। अगर आप फिलहाल जाकर के 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी का लेते हैं तो यहां पर वो जो आपका प्लान है बेसिकली मेंस 2022 तक के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि जून 2022 तक वैलिड ना होकर के एक्सटेंड कर दिया जाएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेंस 2022 तक के लिए आपका वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। तो आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। 16 जून तक के लिए ये ऑफर वैलिड है। साथ में जब आप यूज करेंगे रैंक 10 हमारा रेफरल कोड तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन की फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है। 20 बुक्स भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो आपका 100% सिलेबस कवरेज कराएंगी। साथ में एवरी संडे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट होता ही है, आप उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी 9 जून से आज से कुछ नए बैचेस भी यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। 1 ईयर के बैचेस हैं 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और 2 ईयर के बैचेस हैं 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराएंगे जीएस का प्री का मेंस के लिए। तो प्लीज जाएं जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आपको एनरोल करें, ज्वाइन करें। आइकॉनिक और प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम फीस की बात करें तो आइकॉनिक में फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लस सब्सक्रिप्शन बिकॉज बेनिफिट ज्यादा है। बाकी काफी सारे कॉस्ट एफिशिएंट कॉम्बो प्लान्स भी हैं जिनके अंदर आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज जाएं जाकर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें अनअकैडमी के साथ, और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ओके, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ कमेंट्स भी हैं यहाँ पर। हिस्ट्री ऑप्शनल की पूरी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाएं जिसमें सोर्सेज भी बताएं। ये हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने कवर करी है हिस्ट्री ऑप्शनल, आप उसका पहला सेशन देखेंगे तो पहले सेशन में हमने स्ट्रेटेजी को ही वहां पर डिस्कस करा है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं मुगल डायनास्टी की तो आप सब लोगों को पता है कि मुगल्स ने इंडिया पर काफी लंबे समय तक रूल करा, और जब हम मुगल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काफी बेहतरीन रूलर्स भी देखने को मिले। शुरुआत अगर हम करें बाबर से तो बाबर देखने को हमें मिले, बाबर के बाद हुमायूं, देन अकबर, देन उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब हमें रूलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिले। तो जब मुगल डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में वो हुआ 1526 में, यानी कि 1526 में जब बाबर ने लोधीज को हराया इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती हुई देखने को मिली। और जब हम बाबर के रूल की बात करते हैं तो 1526 से लेकर के 1530 तक का बाबर का रूल रहा, यानी कि लगभग 4 से 5 साल बाबर ने रूल करा।
और कहीं ना कहीं यहीं से ही हमें जो है मुगल डायनास्टी के आर्किटेक्चर के तौर पर हमें शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे चल करके यहाँ पर अगर हम बात करें मुगल्स की, तो मुगल्स ने इंडिया के अंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रमोट करा। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल्स की, तो हमें यहाँ पर इस्लामिक, पर्शियन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब एक फ्यूजन हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो ऑलरेडी पहले से आर्किटेक्चर स्टाइल्स चलते आ रहे थे, टर्किश स्टाइल, इस्लामिक स्टाइल, उनके अंदर अब हमें पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला, और साथ ही साथ इंडियंस का भी हमें फ्यूजन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुगल पीरियड का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, उसके अंदर काफी बेहतरीन तरीके से जो आर्किटेक्चरल डिजाइन थे उनका हमें फ्यूजन देखने को मिला। साथ में जब हम बात करते हैं मुगल्स की, तो इनके टाइम पीरियड पर हमें काफी सारी अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स बनती हुई देखने को मिली। यानी कि जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो मॉस्क हो गए, टॉम्स हो गए, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्निफिशेंट फोर्ट्स हो गए, बड़े बड़े किले हो गए, और भी काफी सारे इस तरीके के बिल्डिंग्स और भी इस तरीके की चीजें हमें मुगल्स के टाइम पर इस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिली। साथ में जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे मुगल पीरियड की, तो एक्सेप्ट औरंगजेब, हर किसी के टाइम पीरियड पर जो है काफी तेजी के साथ जो है यहाँ पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए। बट जब शाहजहां का टाइम पीरियड था, तो माना जाता है शाहजहां के टाइम पीरियड में काफी बेहतरीन चीजें हुई, और कहीं ना कहीं शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो ग्लोरी, सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, वो बेसिकली शाहजहां के टाइम पर हुआ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। शाहजहां ने, आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ताजमहल भी बनवाया, जो कि अपने आप में एक बहुत सुंदर हमें इमारत के तौर पर देखने को मिलता है, और भी काफी सारे आर्किटेक्चरल जो है शाहजहां ने कराए, और आर्ट एंड कल्चर का सबसे ज्यादा जो एक तरीके से ग्लोरी हमें देखने को मिली, वो शाहजहां के टाइम पर ही देखने को मिली। बाकी जब हम बात करते हैं शाहजहां के अलावा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर कंपाइल करें अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इन तीनों का टाइम पीरियड, तो इस 100 साल में सबसे ज्यादा जो है हमें यहाँ पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स मुगल पीरियड के दौरान देखने को मिले। हालांकि बाबर और हुमायूं ने भी यहाँ पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स करी, बट जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बाबर और हुमायूं दोनों के पास ही टाइम पीरियड कम था। अगर हम बाबर की बात करें तो सिर्फ 4 से 5 साल थे बाबर के पास, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं तो फिर अपने खुद ही पंगों में फंसे रहे, शेरशाह सूरी से लड़ाइयां होती रही उनकी, तो इस वजह से उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला। बट अकबर से लेकर के शाहजहां के टाइम पीरियड, जो ये 100 साल का पीरियड है, इसमें काफी ज्यादा हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट उस टाइम पर देखने को मिला। और जब हम बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से भी आप यहाँ पर समझना, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मुगल्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स हमें इस टाइम पर बनती हुई देखने को मिली, बहुत सुंदर सुंदर किले भी बने, बहुत बेहतरीन किले भी बने, चाहे आप यहाँ पर आगरा फोर्ट की बात कर लें, आप चाहे यहाँ पर लाहौर फोर्ट की बात कर लें, आप यहाँ पर फिर बात करें रेड फोर्ट की, जो कि हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। सो दीज ऑल आर द मैग्निफिशेंट फोर्ट्स जो कि हमें कहीं ना कहीं मुगल्स के टाइम पीरियड पर देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर हमें ब्यूटीफुल पैलेसेस, बड़े बड़े सुंदर गेट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, सराय, हमाम, मॉस्क, बाउली, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिली। एंड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर वॉज द गार्डन। यानी कि जब भी हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो हर जगह पर आपको सुंदर फॉर्मल गार्डन्स देखने को मिलते हैं, और गार्डन्स के बीच में रनिंग वाटर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें मुगल्स की, तो मुगल्स के यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स हुए, हर जगह पर आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं, और गार्डन्स के बीच में आपको रनिंग वाटर देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं मुगल आर्किटेक्चर को और ज्यादा सुंदर बना दिया, और उसका डिस्टिंग्विश फीचर है कहीं ना कहीं ये गार्डन्स विद द रनिंग वाटर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिली उस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं मुगल पीरियड की, तो मेन फीचर्स क्या रहे मुगल पीरियड के, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट आपके सामने कुछ मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि हमें मुगल पीरियड के अंदर बनती हुई देखने को मिली। ताजमहल है आपके सामने, जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसके अलावा पंचमहल आपको देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी के अंदर, हुमायूं टॉम्ब है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें मोती मस्जिद है, ये कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जो कि उस टाइम पीरियड पर हमें बनती हुई देखने को मिली। अगर हम बात करें मेन फीचर्स की कि भाई मुगल आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स क्या है, तो मुगल आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर तो ये है कि इस टाइम पीरियड पर हमें अलग अलग वैरायटी की बिल्डिंग्स देखने को मिली। यानी कि जो मुगल पीरियड था, यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स, जैसे कि मैग्निफिशेंट गेट्स हो गए, बुलंद दरवाजा जिन्हें बोला जाता है फतेहपुर सीकरी में, आप देखते ही हैं, मैग्निफिशेंट फोर्ट्स हो गए, चाहे आगरा फोर्ट हो, दिल्ली फोर्ट हो, है ना, चाहे अलग अलग मौसेलम्स हो गए, टॉम्ब्स हो गए, यहाँ पर आप जहांगीर टॉम्ब की बात करें, आप अकबर के टॉम्ब की बात करें, आप हुमायूं के टॉम्ब की बात करें,
और इसके अलावा मॉस्क हमें देखने को मिलती है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, साथ ही साथ काफी सारे पैलेसेस हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, पंचमहल है, अकबरी महल है और पब्लिक बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़े लेवल पर, इबादत खाना, दीवाने खास, दीवाने आम, टॉम्स हो गए, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में खास बना देती हैं मुगल आर्किटेक्चर को। सो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स जो है हमें इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ सबसे खास बात जो मुगल पीरियड की है वो क्या है कि यहाँ पर हमें पर्शियन आर्किटेक्चर का इंडियन स्टाइल के साथ एक फ्यूजन देखने को मिलता है, दोनों के बीच में एक सिंथेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की तो यहाँ पर हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर दैट इज पर्शियन और साथ ही साथ हिंदू आर्किटेक्चर दैट इज इंडियन, दोनों का एक फ्यूजन, एक सिंथेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खास बात है मुगल आर्किटेक्चर के बारे में कि अलग अलग तरीके के कल्चर्स का, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स का हमें यहाँ पर एक फ्यूजन देखने को मिलता है मुगल्स के अंदर, जो कि अपने आप में खास बात हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि बड़े बड़े गेटवेज का होना, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग प्रोनाउंस्ड डॉम्स का होना, और भी काफी सारी ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें मुगल आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुगल आर्किटेक्चर को खास बना देती हैं। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर वॉज द कॉस्टली डेकोरेशन, यानी कि जब हम बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की तो यहाँ पर जो डेकोरेशन हमें मुगल्स के टाइम पीरियड पर देखने को मिला, चाहे आप यहाँ पर बात करें ताजमहल के डेकोरेशन की, है ना, यहाँ पर हमें पेट्रा ड्योरा स्टाइल ऑफ डेकोरेशन देखने को मिला। पेट्रा ड्योरा स्टाइल में बेसिकली क्या होता है, पेट्रा ड्योरा स्टाइल की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो जो एक तरह के से प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। पत्थरों हमें अलग अलग तरह के पत्थर हमें दीवारों के अंदर डेकोरेशन के तौर पर देखने को मिलते हैं। आपने पिकॉक थ्रोन का नाम सुना होगा, जो कि शाहजहां का पिकॉक थ्रोन था, वो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस था, जिसके ऊपर हमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से काफी सारी इंपॉर्टेंट हमें जो है कॉस्टली डेकोरेशंस मुगल्स के टाइम पीरियड पर देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप बात करें मुगल पीरियड की तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर पता लगता है कि हाँ, मुगल्स के पास अच्छा खासा पैसा था और उन्होंने वो अपने आर्किटेक्चर के अंदर लगाया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो अब बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग पीरियड के बारे में, यानी कि बाबर के पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, हुमायूं के पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, और आगे चल करके फिर देखेंगे कि जो हमारा अकबर थे, अकबर के पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ। बाकी यहाँ तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लें। कमेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ देख लेते हैं। स्वाति का यहाँ पर कमेंट, एग्जांपल ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल, एग्जांपल ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल इज द हुमायूं टॉम्ब। जब आप हुमायूं टॉम्ब को देखेंगे तो हुमायूं टॉम्ब के अंदर आपको जो है बेसिकली पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का एक फ्यूजन आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल ज्योति, अलग अलग तरीके की नकाशी, अलग अलग तरीके के डिजाइन हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को जो है यहाँ पर मुगल्स के टाइम पीरियड पर डेकोरेट करा जाता था। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हर एक रूलर के टाइम पीरियड की और उनके टाइम में क्या कुछ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला उसकी। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बाबर की। जैसे कि आप लोगों को बताया कि विद द बैटल ऑफ पानीपत, हमें बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर देखने को मिलती है, और बाबर उस बैटल में जब जीत जाते हैं तो 1526 से लेकर के 1530 बाबर का रूल रहता है। यानी कि जब हम बात करते हैं बाबर के टाइम पीरियड की तो 4 से 5 साल इंडिया के अंदर बाबर रूल करते हैं। बट जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो बाबर का टाइम पीरियड होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि बाबर का टाइम पीरियड जो है लड़ाई झगड़ों में ही ज्यादा जाता है। भाई बाबर के चार से पांच साल के अंदर बाबर ने 4 बड़ी बैटल्स लड़ी, चाहे बैटल ऑफ पानीपत हो, देन बैटल ऑफ चौसा हो, बैटल ऑफ और भी काफी सारी बैटल्स हमें यहाँ पर बाबर की तरफ से लड़ती हुई देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बाबर के पास टाइम पीरियड था कम, बट उस शॉर्ट टाइम पीरियड में भी बाबर ने काफी ज्यादा आर्किटेक्चर यहाँ पर इंडिया के अंदर किया। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाबर ने पानीपत में, रॉयल खंड में मॉस्क वगैरह बनवाई, मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ खास नया डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी कहीं ना कहीं बाबर ने अपनी तरफ से आर्किटेक्चर यहाँ पर करवाया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड छोटा था तो बाबर ने कोई नया स्टाइल, नई टेक्निक यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कराई, जो चल रहा था उसी तरीके से चीजों को बाबर आगे लेकर के चले। बट यहाँ पर हम बात करते हैं जब बाबर की, तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, तुजुके बाबरी में, काफी इंपॉर्टेंट बाबरनामा में काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी। बाबरनामा में क्या लिखते हैं, बाबरनामा में बाबर लिखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो बिल्डिंग्स होती थी, जो आर्किटेक्चर होता था, उनके अंदर कहीं ना कहीं रेगुलैरिटी और सिमेट्री देखने को नहीं मिली। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि बाबर ने जो दिल्ली, आगरा और लाहौर के आसपास लोधी पीरियड की बिल्डिंग्स देखने को मिली,
उन बिल्डिंग्स में बाबर को ना तो सिमेट्री मिली और ना ही रेगुलरिटी मिली। ये चीज बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखी भी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाबर ने इन मस्जिदों के अलावा पानीपत में जो हमें मस्जिद देखने को मिलती है या रोहिलखंड में सांभल वाले रीजन में जो मस्जिद देखने को मिलती है, उन सबके अलावा बाबर ने यहाँ पर काफी सारे गार्डन्स भी बनवाए। ढोलपुर के अंदर गार्डन बनवाए, आगरा के अंदर गार्डन्स बनवाए, जिसमें हमें रामबाग और जहराबाग आज की डेट में भी बने हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें बाबर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं करवाई। इसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो माना जाता है कि बाबर ने काफी सारे पवेलियंस भी बनवाए, बट टाइम के साथ साथ वो चीजें अब यहाँ पर सर्वाइव नहीं करती। जो चीजें आज की डेट में सर्वाइव करती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो काबुली बाग मॉस्क पानीपत के अंदर, ये हमें काबुली बाग मॉस्क देखने को मिलती है जो कि बाबर ने 1528 के अंदर आई गेस यहाँ पर बनवाई थी, तो अपने आप में ये खास हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा के अंदर हमें राम बाग देखने को मिलता है जो कि बाबर ने बनवाया। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मुगल आर्किटेक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रनिंग वाटर देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम बाग के अंदर भी, यहाँ पर इस जगह में बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी होता है, ठीक है, यानी कि रनिंग वाटर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दो तीन खास चीजें बाबर ने बनवाई जो कि आज की डेट में सरवाइव करती है और हमारे सामने है। तो ये सब चीजें बाबर के टाइम पीरियड पर हमें देखने को मिली। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बाबर का टाइम पीरियड शॉर्ट था, कम समय में उनके पास कम समय था, तो ज्यादा कुछ बाबर ने यहाँ पर नई स्टाइल नई टेक्निक इंट्रोड्यूस नहीं कराई। बट हाँ, चाहे काबुली बाग मॉस्क हो गई पानीपत की, या इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें रामबाग हो गया आगरा का, जहराबाग हो गया आगरा के अंदर, ये सब कुछ चीजें आज की डेट में भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती हैं बाबर के टाइम पीरियड से रिलेटेड। बाबर के बाद जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें हुमायूं देखने को मिलते हैं। हुमायूं के टाइम पीरियड में हमें काफी कुछ देखने को मिला, काफी कुछ इन द सेंस, यानी कि अगर हम बात करें हुमायूं के टाइम पीरियड की, तो आप लोगों को पता है कि कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुमायूं के पीरियड में हमें देखने को मिले। जब हम बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं का जो नाम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। बट द थिंग इज, ये कहा जाता है कि हुमायूं का जो एक तरीके से पूरा का पूरा हिसाब किताब था वो हुमायूं के नाम से बिल्कुल ही उलट था। हुमायूं वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें, शुरुआत के समय में हुमायूं पहले अपने भाइयों से लड़ते रहे, फिर शेरशाह सूरी से लड़ते रहे, तो पूरा टाइम पीरियड हुमायूं का शुरुआत में ऐसे ही रहा। बट जब बाद में उन्होंने आकर के कम बैक करा, शेरशाह सूरी को एंसेस्टर्स को डिसेंडेंट्स को हराया, उसके बाद जब हुमायूं दोबारा से आए, बट हुमायूं ज्यादा टाइम नहीं रह पाए, शॉर्ट लिव्ड रहे। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के पीरियड की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा हुमायूं का, बट स्टिल कहीं ना कहीं हुमायूं ने यहाँ पर कोशिश करी कि भाई जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। हुमायूं के टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट स्ट्रगल या वॉर विद शेरशाह सूरी देखने को मिला, उसके बावजूद भी हुमायूं ने कोशिश करी। क्या कोशिश करी हुमायूं ने? दीनपन्हा, एक सिटी का फाउंडेशन यहाँ पर रखा। हुमायूं ने दीनपन्हा बनाने की कोशिश करी, बट हुमायूं के पास टाइम कम था तो हुमायूं उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। हालांकि इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो हुमायूं ने आगरा में और फतेहाबाद में कुछ मस्जिदें, कुछ मॉस्क भी यहाँ पर बनवाई। इसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं की, तो हालांकि हुमायूं का टॉम्ब बहुत ज्यादा फेमस है। हुमायूं का टॉम्ब जो कि अकबर के टाइम पीरियड पर बना, हुमायूं की डेथ के बाद बना, और हुमायूं की जो फर्स्ट वाइफ थी हमीदा बानू बेगम, उन्होंने ये बनवाया। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब की, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं टॉम्ब को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ताजमहल का प्रीकर्सर आपको देखने को मिलता है, यानी कि जिस तरीके से हुमायूं टॉम्ब को बनाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि इसी को देख के ताजमहल जो है आगे चल करके शाहजहां ने बनवाया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें हुमायूं टॉम्ब की, तो हुमायूं टॉम्ब में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो उसको बेसिकली एक पर्शियन आर्किटेक्ट मलिक मिर्जा गियास, इन्होंने जो है यहाँ पर इसको डिजाइन किया था। तो नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मलिक मिर्जा गियास वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द हुमायूं टॉम्ब। जब हम यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब की, तो यहाँ पर हमें इंडियन और पर्शियन ट्रेडिशंस का सिंथेसाइज देखने को मिलता है, यानी कि एक फ्यूजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये हुमायूं का टॉम्ब हमें बनता हुआ देखने को मिला, तो डिजाइन तो ये पर्शियन आर्किटेक्ट ने करा, बट यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन थे, जो यहाँ पर मजदूर थे, जो यहाँ पर राजमिस्त्री थे, मेसन्स थे, दे ऑल वर इंडियंस। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कहा जाता है कि लोकल स्टाइल के साथ साथ पर्शियन इन्फ्लुएंस, दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमें उस टाइम पर हुमायूं टॉम्ब के अंदर देखने को मिली। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब की, तो हुमायूं टॉम्ब ने कहीं ना कहीं एक नया विजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इंडिया के अंदर दिया। साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा हुमायूं टॉम्ब के कुछ सर्टेन फीचर्स के बारे में बताऊं, बिल्डिंग दिखाऊं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है हुमायूं टॉम्ब।
हुमायूं टॉम जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ऊंचाई के ऊपर बना उठा करके जो है हुमायूं टॉम को बनाया गया है, तो स्टैंड ऑन अ वास्ट रेस्ड प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो आसपास हमें हुमायूं टॉम के क्या देखने को मिलते हैं, आसपास स्क्वायर गार्डन हमें देखने को मिलते हैं जिनको चार बाग बोला जाता है। तो स्क्वायर गार्डन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर जो है हमें वाटर चैनल्स, पानी बहता हुआ देखने को मिलता है, ये सब चीजें हमें हुमायूं टॉम के अंदर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करें हुमायूं टॉम की तो रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हुमायूं टॉम के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई रेड सैंडस्टोन है ज्यादातर, बट डेकोरेशन के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ब्यूटी एक तरीके से अलग तरीके का यहाँ पर नकाशी जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हुमायूं टॉम अपने आप में एक बहुत खास हमें स्पेसिमेन देखने को मिलता है मुगल आर्किटेक्चर का, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो ये है बेसिकली हुमायूं टॉम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करेंगे अकबर के टाइम पीरियड की, कुछ कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को देख लेते हैं। आपका यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कमेंट है यहाँ पर, सर दैट मॉस्क आर्किटेक्चर वॉज सेम एज बीजापुर स्कूल लाइक बल्बस डॉम, इज इट थ्री आर्क ऑल्सो हेयर, विच मॉस्क यू आर टॉकिंग अबाउट स्वाति, एक बार प्लीज कमेंट कर दें। पीछे हमने जो मॉस्क डिस्कस करी, दिस आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, जो ये काबुली बाग मॉस्क हमें देखने को मिल रही है। देखिए काबुली बाग अगर आप मॉस्क देखेंगे तो यहाँ पर डॉम उस तरह के का नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल डॉम ही आपको देखने को मिल रहा है। इट इज नॉट अ बल्बस डॉम, यहाँ पर नॉर्मल डॉम है ये, इट इज नॉट अ बल्बस डॉम, ओके। बट यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो हाँ, यहाँ पर आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको थ्री आर्क फसाद डिजाइन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टूडोर आर्क भी देखने को मिल रही है। ये कुछ खास बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बट जो डॉम है वो नॉर्मल डॉम है, इट इज नॉट अ बल्बस डॉम, ये अलग तरीके का डॉम है। ये जो नॉर्मल डॉम होता है वही डॉम है, इट इज नॉट अ बल्बस डॉम, ठीक है। बट हाँ, टू डॉर्क आर्क और थ्री फसाड आर्क जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके अंदर। अब बात करेंगे अकबर के टाइम पीरियड की, अकबर के टाइम पीरियड के आर्किटेक्चर को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर आपका किसी का कोई भी डाउट हो हुमायूं से आर्किटेक्चर से रिलेटेड, बाबर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या यहाँ पर जो मैंने आपको मेन फीचर्स बताए मुगल आर्किटेक्चर के उससे रिलेटेड, तो आप अपना डाउट मेरे से प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सर इट शोइंग सेम लाइक द बल्बस डॉम विच यू शोन यस्टरडे, नो स्वाति इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ओके। चलिए गाइस, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबर की, बाकी कोई डाउट हो आपका तो पूछ लें, डाउट नहीं है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें। अकबर के टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फाउंडर कौन था मुगल डायनेस्टी का, फाउंडर माना जाता है बाबर को, कि बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर करा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। बट रियल फाउंडर किसे माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है अकबर को, यानी कि जब हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। इसने ही इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी को और तेजी के साथ बढ़ाया, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया तक, या कहें साउथ तक, बल्कि अकबर ने जो है यहाँ पर कोशिश करी पूरा का पूरे एम्पायर को फैलाने की। हालांकि आगे चल करके फिर शाहजहां और औरंगजेब, उनके टाइम तक हमें डीप साउथ तक मुगल एम्पायर देखने को मिला, बट इनिशियली जो मुगल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कराया वो कहीं ना कहीं अकबर ने ही यहाँ पर प्रोवाइड कराया। अकबर के जब टाइम पीरियड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफी अच्छे बड़े लेवल पर हमें जो है आर्किटेक्चर देखने को मिला। आप सबको पता होगा कि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में जाना जाता है, यानी कि अकबर ने जो इतना बड़ा एक्सटेंसिव एम्पायर बिल्ड करा वो कैसे करा, हिंदूज के साथ गुडविल बना करके। यानी कि जब आप बात करते हैं अकबर के टाइम पीरियड की तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि काफी सारे राजपूत रूलर्स अकबर के यहाँ पर मनसबदार थे, अकबर के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अकबर के राजपूताना के साथ, राजपूत के साथ काफी अच्छे संबंध थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी थे, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी हमें काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अकबर ने यही अपना टैलेंट जो है बेसिकली आर्किटेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल करा। यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड पर इंडियन आर्किटेक्चर का, यानी कि जो यहाँ पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ उसमें पर्शियन स्टाइल के साथ साथ लोकल टैलेंट इंडियन आर्किटेक्चर को भी यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। तो हमें एक कंप्लीट फ्यूजन, एक सिंथेसिस दोनों के बीच में यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड पर देखने को मिलता है। अकबर का जो शुरुआती टाइम पीरियड था
उसके अंदर हमें टॉम्ब ऑफ हुमायूं, जो हुमायूं टॉम्ब हमने पीछे डिस्कस करा, वो देखने को मिलता है, जो कि हमीदा बानू बेगम, हुमायूं की फर्स्ट वाइफ ने यहाँ पर बनवाया था। हालांकि उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि किस तरीके का हुमायूं टॉम्ब रहा, क्या क्या उसमें कुछ फीचर्स थे, वो मैंने आपको बता दिया अभी पीछे। बट आगे चल करके अकबर ने काफी सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई, और जब भी आप अकबर के आर्किटेक्चर को देखते हैं, चाहे आप आगरा फोर्ट को देखें, चाहे आप फतेहपुर सीकरी को देखें, वहां पर आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अपने पैलेसेस के अंदर, अपने फोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा, काफी बड़े लेवल पर फेवर आउट किया, और यही सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत बड़े लेवल पर अकबर ने हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फेवर यहाँ पर किया। तो कहीं ना कहीं जो अकबर की पॉलिसी थी, जो अकबर की स्टेट्समैनशिप थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, रिलीजियस टॉलरेंस की, वो हमें उसके आर्किटेक्चर के अंदर भी देखने को मिली। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं अकबर के टाइम पीरियड की, तो काफी सारी फेमस बिल्डिंग्स यहाँ पर बनवाई गई, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब का होना हो, या फतेहपुर सीकरी का होना हो, फतेहपुर सीकरी के अंदर जामा मस्जिद का होना हो, बुलंद दरवाजा का होना हो, शेख सलीम चिश्ती जी का मुसैलम होना हो, या पंच महल होना हो, ये सब चीजें जो है हमें फतेहपुर सीकरी के अंदर बनती हुई देखने को मिली। और जब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक बहुत ही मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, एक बहुत ही मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप फतेहपुर सीकरी को देखेंगे, उसको कभी विजिट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सुंदर तरीके से अकबर ने फतेहपुर सीकरी को डेवलप करा, और कितने सुंदर तरीके से फतेहपुर सीकरी को बनाया गया, एक नई कैपिटल सिटी के तौर पर फतेहपुर सीकरी को बनाया गया। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इन सब के अलावा, तो अकबर ने आगरा के अंदर, लाहौर के अंदर किले भी बनवाए बहुत बड़े बड़े, जो कि काफी बड़े लेवल पर बनवाए गए, मैग्निफिशेंट लेवल पर बनवाए गए, प्लान्ड हुआ करते थे, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके का आर्किटेक्चर हमें अकबर के स्टाइल पर देखने को मिला। खास बात यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड की क्या हो जाती है कि यहाँ पर हमें रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल होता हुआ बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो अकबर का टाइम पीरियड था, इसमें रेड सैंड स्टोन को बहुत बड़े लेवल पर यूज करा गया। आगे चल करके जब हम जहांगीर और शाहजहां की बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि व्हाइट मार्बल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, बट इस टाइम पर रेड सैंड स्टोन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, रेड सैंड स्टोन को ज्यादा यूज करा जा रहा है अकबर के टाइम पीरियड पे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पर टुडोर आर्क भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो टुडोर आर्क स्टाइल है, वो भी हमें यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता कि टुडोर आर्क क्या होती है, तो जैसे इस तरह का ये आर्क पहले बनाई जाती थी, अब क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से फोर सेंटर्ड आर्क, मतलब साथ साथ इसके ऐसे ऐसे करके, मतलब ये इस तरीके से, इस तरीके की आर्क बनाई जाती हैं ये, मतलब अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे थोड़ा सा इमेजेस के अंदर। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो टुडोर आर्क भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये कुछ चीजें अकबर ने बनवाई। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें अकबर के टाइम पीरियड की, तो अकबर ने सबसे पहले बनवाया आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा खास है अकबर के टाइम पीरियड के लिए। आगरा फोर्ट की जब आप बात करते हैं, तो ये यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा आगरा के अंदर, और आगरा फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1565 के अंदर हुआ था, और लगभग 8 साल इसको लग गए थे बनाने में। क्योंकि जब आप यहाँ पर आगरा फोर्ट को देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना मैग्निफिशेंट बिल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये उसका फ्रंट ही है सिर्फ, ये आगरा फोर्ट का फ्रंट आपको देखने को मिल रहा है, एक एंट्रेंस गेट आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर आप पूरे के पूरे आगरा फोर्ट को देखेंगे, हालांकि आज की डेट में काफी ज्यादा वहां पर हमें तोड़ फोड़ भी देखने को मिली है, टूट भी गया है टाइम के साथ साथ, बट स्टिल बहुत ही मैग्निफिशेंट और बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हमें आगरा फोर्ट अपने आप में देखने को मिलती है। तो आगरा फोर्ट के अंदर आपको रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता हुआ बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रेड सैंडस्टोन का ही इस्तेमाल करा गया है। और जब हम बात करते हैं आगरा फोर्ट के डिजाइन पर ही, आगे चल करके अकबर ने लाहौर में, अजमेर में, अलाहाबाद में भी फोर्ट्स बनवाए, किले बनवाए आगरा फोर्ट को देखते हुए ही। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, माना जाता है कि जो रेड फोर्ट आगे चल करके शाहजहां ने बनवाया, वो कहीं ना कहीं आगरा फोर्ट के पैटर्न के ऊपर ही था। यानी कि उसने आगरा फोर्ट को ही कहीं ना कहीं अपने रेड फोर्ट के अंदर डिजाइन में कॉपी आउट करा, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था वो इससे। इसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं आगरा फोर्ट की, तो आगरा फोर्ट के अंदर ही हमें बंगाल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, गुजरात आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, इस तरीके से काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आगरा फोर्ट के अंदर ही हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल डिजाइन भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं आगरा फोर्ट की, तो काफी सारी बिल्डिंग्स आगरा फोर्ट के अंदर शाहजहां ने डेमोलिश करा दी थी, तोड़वा दी थी, उनको मार्बल के साथ रेनोवेट करा दिया था, बट स्टिल आज की डेट में भी जो हमारे सामने चीजें हैं आगरा फोर्ट के अंदर, जो अकबर के टाइम की बनी हुई हैं, वो क्या है, दिल्ली गेट,
जो आगरा फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेटवे है जिसे दिल्ली गेट बोला जाता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जहांगीरी महल हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा अकबरी महल देखने को मिलता है। अकबरी महल को बेसिकली बंगाली महल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो अकबर का महल था, अकबरी महल जिसको बोला जाता है, वो बेसिकली बंगालीज ने डिजाइन करा था और बंगाली पीस ऑफ आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस इज द अकबरी महल, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अकबरी महल है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बंगाली आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ये एक खास बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं आगरा फोर्ट के अलावा, हमें फतेहपुर सीकरी देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है जो कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर बनवाई। जब हम यहाँ पर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो बेसिकली अकबर ने क्या करा था, आगरा से कुछ दूरी पर ही एक नई कैपिटल सिटी एस्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। और अकबर ने यहाँ पर क्या करा था, कुछ समय के लिए अकबर ने अपना पूरा का पूरा कैपिटल यहीं पर शिफ्ट कर लिया था, यानी कि अकबर यहीं आकर के रहने लग गए थे, यहीं से अपना एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीजें संभालने लग गए थे। हालांकि कुछ साल ही यहाँ पर रहे, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो गई और बाकी कुछ चीजें हो गई, तो अकबर को यहाँ से मूव आउट करना पड़ा। बट जब आप फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं जो अकबर ने बनवाई, तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमें हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको, जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा जो कि 40 मीटर हाइट का है और रेड सैंडस्टोन से पूरा का पूरा बनाया गया है। और ये खास, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जब अकबर ने गुजरात के ऊपर विक्ट्री करी थी, जब अकबर गुजरात को जीता था 1576 में, तो उसी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए अकबर ने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। दिस इज द बुलंद दरवाजा, ये जो बड़ा सा गेट आपको देखने को मिल रहा है, इसी को बुलंद दरवाजा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो ये बुलंद दरवाजा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेटवे है ये। अब आप यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे आपको लोग देखने को मिल रहे हैं, लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे चीटे कीड़े मकोड़े हों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एक मैग्निफिशेंट गेटवे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि अकबर ने बनवाया। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, बुलंद दरवाजा यहाँ पर बोला जाता है, जो कि हमें फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजा के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पर सलीम चिश्ती जी का मौसेलम देखने को मिलता है। सूफी संत सलीम चिश्ती जो हुआ करते थे, उनका मौसेलम, उनका टॉम्ब भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा व्हाइट मार्बल से वो बना हुआ है, जाली वर्क हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। जाली वर्क मैंने आपको बताया था कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है मार्बल को काट करके एक नेट लाइक जाली का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाता था, ताकि लाइट आती जाती रहे, लाइट के इनफ्लो के लिए उसको बनाया जाता था। और दीवारों पर कुरान के वर्सेस लिखे हुए थे। तो ये एक खास बात हमें सलीम चिश्ती जी के टॉम्ब में देखने को मिलती है। दिस इज द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर ये विंडोज देखिए, दिस वन, यहाँ पर क्या है, ये जाली वर्क आपको देखने को मिलेगा। और जब आप अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुरान के वर्सेस जो है, कुरान की जो बातें लिखी होती हैं कुरान के अंदर, वो आपको दीवारों के ऊपर इंस्क्रिप्शन के तौर पर देखने को मिलेंगी। तो टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमें पंच महल देखने को मिलता है, जो कि 5-story स्ट्रक्चर है और गुजरात आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। बेसिकली इसको जोधाबाई पैलेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि माना जाता है ये, दिस इज द पंच महल, देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग है ये। और यहाँ पर जब आप पंच महल की बात करते हैं, तो ये गुजराती स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। और यहाँ पर बेसिकली जो है, कौन रहा करती थी, रानी महारानियां रहा करती थी। और जोधाबाई पैलेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वहां पर हमें मंदिर भी देखने को मिलते हैं, यानी माना जाता है कि जोधाबाई वहां पर अपनी पूजा भी किया करती थी। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इबादत खाना जो कि अकबर ने बनवाया था, इबादत खाना क्यों बनवाया था अकबर ने, ताकि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लीडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करी जाए, डिस्कशन करे जाए। तो इबादत खाना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पाचीसी कोर्ट हमें देखने को मिलती है, जहां पर अकबर बैठ के चेस खेला करता था। इसके अलावा हमें हिरन मीनार देखने को मिलती है। एक्चुअली क्या था कि अकबर का एक फेवरेट एलिफेंट था, तो जब उस एलिफेंट की डेथ हो जाती है, तो उसकी मेमोरी में अकबर क्या करता है, हिरन मीनार, एक यहाँ पर मीनार है, वो अकबर यहाँ पर बनवाता है। तो ये कुछ फेमस चीजें हमें फतेहपुर सीकरी के अंदर भी देखने को मिली अकबर के टाइम पीरियड पर। तो ये बेसिकली अकबर के टाइम पीरियड पर आर्किटेक्चरल डिजाइंस या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर, जो कि हमने बाबर से लेकर के अकबर के टाइम पीरियड की बात करी।
अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे किस तरीके से चीजें हुई, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना है कि बाबर के टाइम पीरियड पे, जब हम बाबर के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए बाबर ने क्या करा, मॉस्क बनवाए, साथ ही साथ बाबर ने जो है यहाँ पर गार्डन्स बनवाए, और गार्डन्स के अलावा बाबर ने यहाँ पर कुछ पवेलियंस बनवाए। ये चीजें बाबर ने यहाँ पर करवाई विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 years। बाबर के बाद हमें हुमायूं देखने को मिलता है। हुमायूं ने कोशिश करी कि भाई पर्शियन इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाया जाए। हुमायूं ने दीन पनाह नाम की एक सिटी का फाउंडेशन रखा, बट उसको कंप्लीट नहीं करा पाया। आफ्टर हुमायूं डेथ हमें हुमायूं का टॉम्ब देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर हमें यहाँ पर पीस ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि किस तरह के रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा जा रहा है, व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हुमायूं टॉम्ब को ताजमहल का प्रीकर्सर भी बोला जाता है। ये हमने डिस्कस करा, और अकबर के टाइम पीरियड को हमने डिस्कस करा, जहां पर आर्किटेक्चर का हमें बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर की जो है, हिंदू और पर्शियन स्टाइल का सिंथेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ आगरा फोर्ट जैसी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स अकबर ने बनवाई, जिसमें रेड सैंडस्टोन का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करा गया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। फतेहपुर सीकरी के अंदर भी हमें अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिले, चाहे गुजराती स्टाइल हो या उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्शियन स्टाइल हो, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो ये था गाइस आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने बाबर से लेकर के अकबर के टाइम पीरियड को कवर करा। कल का जो हमारा सेशन रहेगा, कल हम जहांगीर, शाहजहां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, और औरंगजेब के आर्किटेक्चर को देखेंगे। इनको हम कल देखेंगे और कल मुगल आर्किटेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। किसी का आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। जो भी लोग ऑनलाइन है, यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कमेंट है सर, बीएल ग्रोवर एंड ग्रोवर एंड ग्रोवर आर सेम। बिल्कुल, जो बीएल ग्रोवर की बुक आती है वो सेम ही है, ग्रोवर एंड ग्रोवर और बीएल ग्रोवर सेम बुक है वो। ठीक है, काफी अच्छी बुक है, बट दैट बुक इज फॉर द गवर्नर जनरल पीरियड, यानी कि अगर आपको गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना हो, वायसराय के बारे में पढ़ना हो कि किसने क्या कुछ काम करा, तो उसके लिए बीएल ग्रोवर यानी कि ग्रोवर एंड ग्रोवर की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। ओके, स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल इबादत खाना। यस, यू कैन से कि एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा ही था। ठीक है, यू वेलकम ज्योति। यस, मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ज्यादा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ही है वो। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए गाइस, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बाबर टिल अकबर। आज हमने इसको डिस्कस करा। इन आर टुमारो सेशन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द जहांगीर एंड औरंगजेब टाइम। तो जहांगीर से लेकर के औरंगजेब के टाइम को कल हम डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।